My dear students, this is second video lecture of mathematics having chapter number for 6th standard. So in this video we will learn about Indian place value chart and international place value chart. So let us see first Indian place value chart. What is this? So here you have given Indian place value chart in which in first row you have given name of place and in second row you have given place value. So in Indian place value, how can we count? We start from where? From right side. You have given here and then thousand, lakhs, crores. So how can we start? From right, we move from right to left. So we start as a ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crores and 10 crores and so on. So you will have to learn Indian place value chart. First of all, you will have to learn Indian place value chart. Then suppose you have given here, we have example here, 432916. So 432916. So here given, you will have to write in words. So how can you write? So here 432916. We start from where? From right side. From 619. So 6 is at 1's place. 1 is at 10's place. So we start from right side. So 1's, 10's, 100, 1000, 10,000 lakh. So at right side 4 is at lakhs place. So we can write 4 lakhs and what about next? 32,000 and next will be 900 and what is this? 16. So suppose you have another example here. Write the given number separating periods. So how will you do this? So we can make a chart of like Indian place value chart we have given above. So we can make a chart according to this. So I have made the chart as given above. So 62735617. मान लो तुम्हारे पास दिया हुआ है ये नंबर, तो तुमको सेपरेट पीरियड्स में करना है. हालांकि ये क्वेश्चन बहुत सारा दिया हुआ है, तो इसको जरा ध्यान से देखना. मैंने क्या किया, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, इसको चार्ट तैयार कर लिया. वंस की जगह पे वंस में देखना तीन पार्ट है, एक वंस, टेंस और हंड्रेड. उसके बाद क्या होगा, थाउजेंड का पार्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, लाख का होगा, उसके बाद करोड़ का होगा एंड सो ऑन. ऐसे ही बढ़ते जाएंगे राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में. तो देखो कितने मेरे पास नंबर है, 62735617. तो सबसे पहले देखो, पहले हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग काउंट कर लेंगे. तो क्या होगा देखना, 62 जो है वो करोड़ के प्लेस पे है, तो हमने 62 को क्या किया, करोड़ में फिल किया. उसके बाद 73 क्या कहाँ है, 73 लाख्स है, तो मैंने लाख्स में क्या किया, 73 पुट किया. उसके बाद थाउजेंड पे देखो, थाउजेंड पे क्या है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं इधर किधर, राइट साइड से शुरू करें तो सेवन वंस प्लेस पे है, वन क्या है, टेंस प्लेस पे है, टू क्या है, थाउजेंड प्लेस पे है, टेन थाउजेंड पे सिक्स है और फाइव क्या है, अब यानी 56 क्या है, थाउजेंड के प्लेस पे है. तो मैंने थाउजेंड में क्या किया, थाउजेंड वाले बॉक्स में क्या भर दिया, 56 भर दिया. उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, 217 है, तो 2000 है, 217 यानी 100, टेंस और वंस तीन बच गया, 2 क्या है, 100 के प्लेस पे है. तो मैंने 100 वाले में क्या भरा, 2 भर दिया. उसके बाद 10 के बाद वंस वाले, उसके बाद मैंने वंस वाले में क्या भर दिया, 7 फिल कर दिया. सो इस तरीके से चैप्टर्स में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए, इसको तुम आप मतलब आप ऐसे एक्सप्लेन या फिर बना सकते हो. अगर वर्ड्स में लिखना हो उसके लिए तो मैंने प्लेस वैल्यू पहले याद करना पड़ेगा, कैसे मतलब वर्ड्स में लिखना है. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है एक्सपेंडेड फॉर्म, लाइक 432916 मैंने लिखा है क्वेश्चन, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. तो तुम कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्लेस हम उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. जैसे कि क्या है, देखो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, फोर क्या है, लाख्स के प्लेस, तो फोर इंटू वन लाख. उसके बाद क्या है, देखो थ्री किस प्लेस पे है, टेन लाख्स पे है, तो टेन वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड पे है, तो मैंने थ्री इंटू टेन थाउजेंड पढ़ा.
उसके बाद टू क्या है, थाउजेंड प्लेस पे है, तो टू इंटू वन थाउजेंड किया। फिर नाइन क्या है, टू इंटू थाउजेंड किया। उसके बाद नाइन क्या है, हंड्रेड प्लेस पे है, तो नाइन इंटू हंड्रेड किया। उसके बाद वन टेंथ प्लेस पे है और सिक्स यूनिट प्लेस पे है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, प्लस प्लस करके हम डिजिट इंटू अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं और बीच में प्लस ऐड करते जाते हैं। तो एट लास्ट हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो फिर मुझे वही मिल जाएगा जो मेरा एक्सपेंडेड नंबर के लिए बोला जा रहा है। देखो एक बार फिर से समझ लो, फोर इंटू क्या लिखा हुआ है, देखो फोर वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख, यानी फोर जो मेरा है एक्सपेंडेड फॉर्म वाले की बात कर रहा हूँ, फोर मेरा है वो क्या है, लाख्स प्लेस पे है। तो फोर इंटू मैंने लाख कर दिया। उसके बाद थ्री क्या है, टेन थाउजेंड पे है, तो थ्री इंटू टेन थाउजेंड कर दिया। प्लस टू क्या है, थाउजेंड प्लेस पे है, तो टू इंटू थाउजेंड कर दिया। फिर नाइन क्या है, वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड प्लेस पे है, तो नाइन इंटू हंड्रेड। फिर वन क्या है, टेंस प्लेस पे है, तो वन इंटू टेन। उसके बाद क्या है, सिक्स यूनिट प्लेस पे है, तो वन क्या लिख, सिक्स लिख दिया। तो ऐसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। सेपरेटिंग का बहुत सारा क्वेश्चन है, हम सेपरेटिंग सेकेंड उसके ऊपर जस्ट क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया है, उसके ऊपर वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में अगर इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखना हो तो आपको याद करना पड़ेगा। तो ये सारे बुक्स में क्वेश्चन है, इस पर आप सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सो वी विल सी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चैप्टर। सो वी हैव इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चैप्टर। सो हाउ कैन आई राइट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। So listen carefully, we have a chart in international place value. So here we have ones, thousand, millions, billions. So this is different from your international Indian place value chart. So इसको जरा ध्यान से देखना, ये बहुत different है। इसमें हम कैसे करते हैं देख लेना। Ones में देखना, ones में तीन chart दिख रहा है, एक ones, tens और hundred। उसके बाद thousand में तीन chart दिख रहा है, थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड हंड्रेड थाउजेंड। उसके बाद मिलियंस में देखना है, मिलियंस, टेन मिलियंस और हंड्रेड मिलियंस है। उसके बाद ऐसे ही हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में बढ़ते जाते हैं। तो पहले हम स्टार्ट कैसे करते हैं, वन से स्टार्ट करेंगे। वन के बाद क्या होता है, टेंस होता है। टेंस के बाद क्या होता है, हंड्रेड होता है। हंड्रेड के बाद उसके बाद क्या होता है, थाउजेंड। थाउजेंड नेक्स्ट वन इज टेन थाउजेंड, नेक्स्ट वन इज हंड्रेड थाउजेंड। फिर मिलियन में आएंगे तो फिर टेन थाउजेंड के बाद क्या होगा, मिलियन होगा। मिलियन के बाद फिर टेन मिलियंस, उसके बाद हंड्रेड मिलियंस, उसके बाद बिलियंस, टेन मिलियंस एंड हंड्रेड बिलियंस। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सपोज वी हैव एग्जांपल हियर, वी हैव गिवन हियर, राइट द गिवन नंबर इन इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। आपको इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम से कैसे लिखना है, हम क्या करेंगे। लेकिन मेरे पास थ्री एट थ्री सेवन फाइव सिक्स टू एट ये नंबर दिया हुआ है। मैंने कैसे, पहले क्या किया, मैंने पहले इसको बॉक्स बनाया। बॉक्स में क्या किया, वंस, थाउजेंड और मिलियंस। इसमें जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, तीन तीन डिजिट को इंसर्ट किया है। तो एक में क्या है, थ्री टू एट है। थाउजेंड में क्या है, फाइव सेवन सिक्स है। मिलियंस में क्या है, थ्री एट थ्री है। चूँकि ऊपर जरा देखना ये ध्यान से, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में देखो, वंस में तीन बॉक्सेज बना हुआ है, फिर थाउजेंड में तीन बॉक्सेज बना हुआ है, मिलियंस में तीन बॉक्सेज बना हुआ है। तो मैंने पहले क्या किया कि जो दिया हुआ है उसको पहले मैंने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग पहले उसके प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद क्या, इसमें देखना हमेशा मैं, इसमें सबसे इजी तरीका क्या है कि तीन तीन डिजिट को मैंने अलग अलग कर लिया। इसमें आपको भी करना होगा, आप क्या करोगे, तीन 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 डिजिट को अलग अलग कर लोगे। चूँकि हर बॉक्स में क्या है, थाउजेंड में भी तीन है, मिलियंस में भी तीन है, बिलियंस में भी अगर होगा ज़्यादा तो तीन हो जाएगा। तो मैंने तीन तीन पार्ट कर लिया। अब मैंने क्या किया, देखो 383 लिखा मिलियंस में, तो इसमें 100 करके लिख, 383 क्या, 383 मिलियन। उसके बाद क्या लिखेंगे, 756 है ना, तो 756,000 लिखेंगे। इसके बाद, उसके बाद क्या होता है, 328 वंस में लिखा हुआ है, तो 328। यानी हम क्या करते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में, सबसे पहले तीन तीन डिजिट का हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। यानी तीन तीन डिजिट को हम अलग अलग कर लेंगे, उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू हम उसको वर्ड्स में लिख देंगे। तो मैंने तीन तीन कर लिया, तीन तीन कर लिया, यानी वंस में क्या लिखा, 328 लिखा। उसके बाद 756,000 वाले में लिखा, मिलियंस वाले में क्या लिखा, 383 लिखा। तो उस तरीके से मैंने क्या लिखा, 383 मिलियंस, उसके बाद 756,000, उसके बाद 320
28. So we will see next point in next video. Thank you.